तो दोस्तों, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो अब ये फैसला भी आपका है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है नवंबर 5, 2019 और डे है ट्यूजडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पे अन अकेडमी के एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड अमन डॉट शर्मा का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आम दी एजुकेटर जो आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो कंडक्ट करता है। आपके लिए एक और छोटा सा अपडेट, हमारी स्टडी आई एस के चैनल की जो कम्युनिटी टैब है, वहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स हमेशा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स यूपीएससी के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें और आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखा करें और अपने आंसर्स भी पुट ऑन किया करें। इससे आप लोगों की जो मेमोरी है वो और भी ज़्यादा शार्प और पावरफुल हो जाएगी। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। उससे रिलेट करते हुए तीन स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि ईपीसीए वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है वन ऑफ इट्स प्राइमरी फंक्शन इन्वॉल्व्स एनफोर्सिंग द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इन एनसीआर एज पर द पॉल्यूशन लेवल। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा सी, वन एंड थ्री ओनली। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत स्टेटमेंट है, इस चीज़ को देख लेते हैं। इसका आंसर ये है कि देखो, जो हमारी ईपीसी है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी है, जिसके पास मेन काम है यहाँ पर दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को मैनेज करना। इट वाज नोटिफाइड इन 1998, बिल्कुल सही बात है, 1998 के अंदर किया गया था बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, बट एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं। ये किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। आपके लिए आज का सवाल, आपके सामने है कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स और कौन उनको यहाँ पर पब्लिश करता है। पहली स्टेटमेंट में है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF, दूसरी में है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स WHO, ग्लोबल वेज रिपोर्ट IMF। आपको बताना है कि करेक्ट मैच यहाँ पर पेयर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं A 1, 2 and 3 ओनली, B 1, 3 and 5 ओनली, C 2, 4 and 5 ओनली या D ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर मिलती है सेइंग RCEP विल हर्ट फार्मर्स, इंडिया वॉक्स आउट। हुआ क्या है इस पूरी अपडेट के साथ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने RCEP की जो समिट चल रही थी बैंकॉक के अंदर, उसके अंदर बोला द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ RCEP एग्रीमेंट डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द बेसिक स्पिरिट एंड द एग्रीड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द RCEP। और ये जो RCEP का एग्रीमेंट है, ये इंडिया के इश्यूज़ को और कंसर्न को भी रिजॉल्व नहीं करता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इंडिया RCEP को ज्वाइन करे। तो इंडिया ने, आप कह सकते हो, इंडिया ने RCEP को ज्वाइन करने से पूरी तरीके से कर दिया है मना। तो इंडिया के अलावा जो बाकी जो यहाँ पर देश हैं, जो 10 यहाँ पर मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, आसियान ग्रुपिंग है, और 5 अन्य देश हैं जो कि हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन लोगों ने इस पैक्ट को आगे साइन करने का फैसला लिया है। एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इंडिया बाद में ज्वाइन कर सकता है, तो द आंसर इज़ येस। अगर इशूज़ को रिजॉल्व किया जाता है तो इंडिया ज़रूर हमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। वाई इज़ इंडिया वरिड, बिकॉज जो डील है वो रिक्वायर करता था ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ विच मे फ्लड इंडियन मार्केट विद चाइनीज गुड्स। क्या इंडिया का ये डिसीजन RCEP को हर्ट करेगा? नाउ विदाउट इंडिया RCEP अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल GDP, बट दे हैव लेस देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर देन इंडिया नीडेड RCEP, RCEP नीडेड इंडिया। तो मैं सिर्फ इसी लाइन से इस चीज़ को यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ऑल दो यहाँ पर इंडिया ने एक और चीज़ बोली कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलवेज गुड फेथ में ट्राई किया कि हम लोग आरसीपी के साथ आगे बढ़ सके। और 2012 से अब तक देर आर 28 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन जो कि यहाँ पर हुए हैं, बट कोई भी चीज़ हमें फाइनली पूर्ण होती हुई नहीं नज़र आई। इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के लिए बेसिक्स कवर कर लेते हैं। आरसीईपी, व्हाट इज़ आरसीईपी? आरसीईपी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 10 आसियान देश और 6 अन्य देशों के बीच में साइन आउट किया जाना था। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2012 से की थी। जो 6 अन्य देश हैं उसमें है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर ये जो सारे के सारे देश हैं, ये यहाँ पर छः जो छः देश हैं वो 10 और अन्य यहाँ पर आसियान देशों के साथ है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन आउट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर या तो जो टैरिफ्स होते हैं उनको हटा दिए जाते हैं या टैरिफ्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर दिए जाते हैं। अब आरसीईपी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी बताए जा रहे थे कि आरसीईपी की वजह से हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये एक बेहतर सिचुएशन हो सकती थी। आरसीईपी की वजह से हमें यहाँ पर ट्रेड बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आरसीईपी की वजह से यहाँ पर जब भी किसी भी देश में ट्रेड बढ़ता है तो उसकी वजह से हमें डिप्लोमेटिक टाइज भी हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और इंडिया के लिए यहाँ पर जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है उससे भी ये डायरेक्टली रिलेट करता था, बट यहाँ पर आरसीईपी शुरू से ही इंडिया के लिए एक नेगेटिव लिस्ट भी साथ में लेकर चल रहा था। कुछ चीज़ें नेगेटिव जो हमें रिसेंटली एरा में होती हुई नज़र आई, उसमें सबसे पहले यहाँ पर इशू था यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन का। डेटा लोकलाइजेशन का इशू एक इम्पॉर्टेंट इशू था जहाँ पर आरसीईपी की जो कंट्रीज़ हैं उनके एग्रीमेंट के अंदर कहना था कि अगर कोई देश आपका जो डेटा है बाहर स्टोर कर रहा है तो आप उसको मजबूर नहीं करोगे। और यहाँ पर श्री कृष्णा कमेटी के हिसाब से डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेटाइजेशन हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इशू भी आया कि यहाँ पर जो बाहर से देश हमारे देश में आएंगे, खासकर आरसीईपी देशों के, वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारे डोमेस्टिक मार्केट को नहीं करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो कि उभर के सामने आया। इंडिया ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर एक और इशू था जो कि था यहाँ पर रॉयल्टी का इशू कि यहाँ पर रॉयल्टी के ऊपर जो हम लोग कैप लगाते हैं कि अगर हमारे देश की कोई कंपनी बाहर के देश की रॉयल्टी देती है तो एक पर्टिकुलर कैपिंग के हिसाब से देगी, बट यहाँ पर आरसीईपी के देश चाहते थे कि कोई भी रॉयल्टी के ऊपर चीज़ें ना आए। इसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा ब्लैक पेपर है, मिल्क है और यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, उनके ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता था। इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर चाइना से थी। द रीज़न बिहाइंड चाइना वॉज कि चाइना आरसीईपी के थ्रू इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें डंप कर सकता था। इसीलिए अभी जब रिसेंटली मामल्लापुरम के अंदर मीटिंग हुई, इंडिया ने इस चीज़ का प्रपोजल भी रखा था कि आरसीईपी के साथ साथ हम लोग एक सेंसिटिव लिस्ट के सामने आए कि जिन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चाइना हमारे देश में इम्पोर्ट ना कर सके। तो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आरसीईपी को हम लोगों को रिजॉल्व करती हुई नज़र आई। इसी के साथ साथ पेज नंबर 11 पे हमें एक और आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि आरसीईपी से लिंक करता है, रिफ्यूजिंग टू बाय द बुलेट्स। बेसिकली ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाता है एक्सपोर्ट सोफेस्टिकेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सपोर्ट सोफेस्टिकेशन। एक्सपोर्ट सोफेस्टिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें जो कि ट्रेडेबल गुड्स हों, मतलब उन प्रोडक्ट्स को उन्हीं पर्टिकुलर फिलॉसफी के साथ ग्रो अप किया जाए जिनको हम लोग हमारे देश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे देश में मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री खोलते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन की जो हैं वो हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देगा और यहीं पर ही हम लोग एक सस्टेंड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उन्हें इसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। नाउ टू द एक्सटेंट दैट दी अदर स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ रेज ऑन इकोनॉमीज ग्रोथ पोटेंशियल जो कि अभी तक हमें करते हुए नजर आए हैं, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन के अंदर। ओके, तो एक बहुत ही एक वंडर वाली, इट इज़ द लिंडे वंडर थिंग कि यहाँ पर कोई भी मेजर इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी ने 7% की प्लस ग्रोथ मेंटेन नहीं की है विदाउट अ शार्प एंड सस्टेन्ड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चर्ड ग्रोथ्स एक्सपोर्ट। तो इंडिया जो कि एक सर्विस सेक्टर ड्रिवन यहाँ पर इकोनॉमी है, हम लोगों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आरसीईपी फर्निशेस अ कंसर्टेड लिबरलाइजेशन फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पर पेयर करता है डोमेस्टिक फैक्टर मार्केट रिफॉर्म के साथ। यहाँ पर वो हमारे मेक इन इंडिया के टारगेट्स को हेल्प करता दैट नो अमाउंट ऑफ टिंकरिंग विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वुड हैव अचीव्ड, बट इंडिया ने तो अब इससे बाहर रहने का फैसला कर लिया है। जो इम्प्लीकेशन है जो हमें आरसीईपी को ज्वाइन करने की ऑन द रीजनल इंटीग्रेशन, वो यही होगा कि यहाँ पर जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा सा एक बूस्ट मिल सकता है।
साथ ही इंडिया उसके अलावा कुछ ऐसे फोरम्स का पार्टिसिपेशन नहीं करता है जिसमें आसियान ग्रुप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे यहाँ पर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम वेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी एंडेवर्स आर फॉर्मुलेटेड। इंडिया यहाँ पर चियांग माई इनिशिएटिव का भी यहाँ पर मेंबर नहीं है। अब ये इनिशिएटिव एक नया होगा आप लोगों के लिए, चियांग माई इनिशिएटिव। बेसिकली जितनी भी यहाँ पर आसियान देश हैं उनके बीच में है यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ओके, उसके अलावा भी अन्य देश हैं जो कि इस एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डिप्लोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उससे भी इंडिया को एक्सक्लूड किया। और हमारा जो रिलेशन है जापान, साउथ कोरिया और आसियान देशों के साथ वो भी थोड़ा सा हमें डिक्लीज आउट होता हुआ नज़र आ रहा था। तो आरसीपी अफोर्डेड अ फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली कि हम लोग यहाँ पर एक ओपन रीजनलिज्म की तरफ आगे बढ़ें, उस जगह पर जहाँ पर आज की डेट में प्रोटेक्शनिज्म पॉपुलिज्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस आउट कर रहे हैं। विदाउट एन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी इन एशिया, इंडिया के पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होगी एशिया के अंदर, या एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी हमारी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल डॉर्मेंट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। बाय साइनिंग ऑन टू आरसीपी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एट होम, मिस्टर मोदी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट इंडिया विद इन द एशियन ट्रेड रीजनलिज्म। बट यहाँ पर इंडिया ने भी अपने एक सोवरेन स्टैंड लिया है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे देश को हर्ट करेगी, देश के लोगों को हर्ट करेगी, तो वो हमारे लिए कभी भी प्रेफरेबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे हमें एक और खबर मिलती है, एंड स्टबल बर्निंग इमीडिएटली ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों दिल्ली के अंदर जो AQI लेवल था वो सीवियर में हमें पहुंच गया था, सीवियरली हाई हमें लिखता हुआ नजर आया था। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस मैकेनिज्म है पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना जाएंगे अगर यहाँ पर फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हुए नजर आए। सो द कोर्ट ऑर्डर द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली, उनको बोला कि आप हमें एक्सप्लेन करो वाई द गवर्नमेंट एंड सिविक बॉडीज शुड नॉट बी पनिश्ड अंडर द टॉर्ट लॉ, और उनको खुद यहाँ पर पेनल्टी क्यों नहीं पे करवाई जाए अगर यहाँ पर स्टबल बर्निंग हमें खत्म होती हुई नहीं नजर आ रही है। कोर्ट ने बोला कि पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज। इसी के साथ साथ पेज नंबर 1 पे हमें एक केस स्टडी टाइप चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने यहाँ पर जो स्टबल है उसे बेच देते हैं अराउंड 2,000 to 3,000 पर एकर। तो वो यहाँ पर एक बेटर अप्रोच है, ठीक है, जो पराली है उसका एज अ फॉडर की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ रीजन है यहाँ पर झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जिन डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पर ज़्यादातर बासमती वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं, वहाँ पर 20 to 30% स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। जो मेजोरिटी ऑफ द फायर्स हैं वो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, बेटर नोन एज द राइस बाउल ऑफ द हरियाणा। फार्मर्स यहाँ पर प्रेफर करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द क्रॉप। कुछ फार्मर्स का यहाँ पे कहना है कि जब वो यहाँ पर कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मैकेनाइज हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो क्रॉप है वो लोअर इन क्वालिटी हो जाती है। कुछ फार्मर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अगर वो स्टबल बर्निंग कर भी रहे हैं, तो भी उनको कंपेंसेट करना चाहिए सरकार को कि वो ना करें, ना कि उनको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाए। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 1 अगेन हमें खबर मिलती है, बंगाल सिटीज यील्ड न्यू स्पीसीज ऑफ ट्री फ्रॉग। यहाँ पर हमें ट्री फ्रॉग के बारे में पता लगा। 6 हर्पेटोलॉजिस्ट जो कि यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अराउंड, उन्होंने एक ब्रांड न्यू स्पीसीज खोज के निकाली है, एक नई स्पीसीज है इन दिस पर्टिकुलर जीनस। यहाँ पर उसका नाम है द ट्री फ्रॉग। ओके, इसके बोलते हैं इसे ब्राउन ब्लॉश्ड बंगाल ट्री फ्रॉग, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। जो फ्रॉग है इसका कलर येलोइश ब्राउन से लेकर ग्रीनिश ब्राउन तक है। मूविंग ऑन पेज नंबर 10 खबर मिलती है स्ट्रिंग ऑफ डेथ। यहाँ पर बात हो रही है मांझे के बारे में, तो जो आप लोग यहाँ पर पतंग वगैरह उड़ाते हो उसका जो मांझा होता है उसके बारे में बात हो रही है। अब वो पुराने टाइप के मांझे नहीं आ रहे हैं, अब उनके अंदर हम लोग ग्लासेस का यूज़ करते हैं, रेयन का यूज़ करते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मांझा होता है उसको यहाँ पर मल्टीपल बैन लगाने के बावजूद भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को यहाँ पर भारत सरकार नहीं रोक पाई है। ये उसी तरीके की सिचुएशन है जो कि हमें क्रैकर्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें कुछ डेथ केसेस, चाहे वो छोटे बच्चे हों या जानवर हों या बर्ड्स हों, उनके हमें देखने को मिले इन दी 1970s। बर्ड्स इंक्लूडिंग दी वाइट रम्ड वल्चर गेट फ्रीक्वेंटली एंटेंगल्ड इन मांझा स्टिंग्स एज वेल। यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि कम से कम 2,000 बर्ड्स इंजर हो जाती हैं एनुअल काइट फ्लाइंग इवेंट के अंदर। ओके, एंड अहमदाबाद ऑफ विच 500 इवेंचुअली डाई। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है
कि जो यहाँ पर पतंगबाजी होती है, यहाँ इट्स अ ब्लडी सोसाइटिकल मेनेस इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल कॉटन थ्रेड, जिसको आप लोग यहाँ पर सद्दी के नाम से भी जानते हो, उसकी जगह आप लोग नायलॉन सिंथेटिक प्लास्टिक फाइबर का यूज़ करने लग रहे हैं, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ओके, पाउडर्ड ग्लास होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर चाइनीज़ मांजा भी अब मार्केट में आ रहे हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कलर्ड स्ट्रिंग, और वो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, ओके। वाइल जो कॉटन थ्रेड होता है इट इज़ कोटेड विद फाइनली पाउडर्ड ग्लास, इट्स शार्पनेस इज ब्लंटेड व्हेन मिक्स्ड विद बॉइल्ड राइस फ्लो एग वाइट एंड ट्री गम। तो यहाँ पर फैक्ट्री स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इस चाइनीज़ मांजे की, उसकी अगर प्राइस देखोगे तो वो कॉटन वाले मांझे से सिर्फ 1/3 है। ये भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर इनकी ज़्यादा परचेसिंग होती है। नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं वो तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी हमारा एक बड़ा हज़ार है। जुलाई 2017 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन किया था सिंथेटिक मांझे को पूरे के पूरे देश के अंदर, और डायरेक्ट किया था कि अगर कोई भी इसको वायलेट करता है उनको यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, IPC, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर मांझे को बैन किया, पुलिस ने भी बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर अरेस्टेशन वारंट भी इशू किए, बट यहाँ पर चीज़ें फिर भी हमें संभलती हुई नहीं नज़र आई। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 10, एडिटोरियल सेक्शन, खबर मिलती है क्लियरिंग द एयर। तो दिल्ली के अंदर फिर से यहाँ पर स्टबल बर्निंग का इशू और बाकी सारे इश्यूज हैं, दिल्ली बन गया है गैस चैम्बर, क्यों, पार्टिकुलेट मैटर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर हम लोग मेन क्या बात करेंगे कि हमारे देश में जो लोग हैं उनकी क्या एबिलिटी है टू मॉनिटर दी पॉल्यूशन लेवल फॉर देमसेल्फ। यही पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो हम लोगों ने AQI को लॉन्च किया था, जिसमें एक कलर हो ईजिली रिप्रेजेंट किया जाए। द मेजर ऑफ पॉल्यूशन विच यूज़ टू बी डोमेन ऑफ वेदर एजेंसीज और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब वो यहाँ पर कंज्यूमर अप्लायंसेस भी खुद कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, सोशल मीडिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि यहाँ पर आज इससे रिलेटेड मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अ टास्क फोर्स विच कंप्राइजेज टॉप ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली एंड द सेंटर एडवाइजेज द एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी विच इज़ इन चार्ज ऑफ एनफोर्सिंग द ग्रैप रियली डज इट रिकमेंड tough preemptive action and when it does there is no real pressure on municipal bodies and police to ensure that polluters are punished. तो उनको punish नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से responsible हैं इस पर्टिकुलर क्राइसिस के लिए, और दोनों ही यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइसिस को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ओके, यहाँ पर कुछ इम्प्रूव चीज़ें की गई हैं कि एक पूरा बैन ही लगा दिया जाए दिल्ली के अंदर 2-व्हीलर 3-व्हीलर के ऊपर, ओके, और जब एयर क्वालिटी डिटेरियरेट होने लगे, ओके, कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा दी जाए, पावर प्लांट्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, पार्किंग रेट्स को यहाँ पर स्पाइक आउट कर दिया जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें दिल्ली के अंदर की गई हैं, और खासकर स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बड़ा फैसला रिसेंटली सुनाया। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, फ्यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द मॉडर्न। राइट हैंड साइड पे आपको कुछ जड़ी बूटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, डायरेक्टली लिंक कर रही हैं हमारे इंडिया के सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। आयुष मंत्रालय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एक सब थीम के रूप में काम करता था कल्चरल नेशनलिस्टिक रिजर्वेशन के लिए इन द अर्ली 20th सेंचुरी अगेंस्ट इंपीरियलिस्टिक ब्रिटिश रेन। तो क्या होता था कि पहले हम लोग ना ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को अपोज करते थे, आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, उस समय जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और आयुर्वेद का इस्तेमाल तो आप लोगों को मॉडर्न एंशियंट और मेडिकल इंडिया में भी अच्छा खासा होता हुआ नज़र आता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में एक तो डॉक्टर्स की यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है, और यहाँ पर जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ MBBS डॉक्टर्स को ही माना जाता है, जो बाकी सारे जो डॉक्टर्स होते हैं ऑल दो वो प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं पर उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता। नो मच इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, जो नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स यहाँ पर भारत सरकार ने लिए आयुष मंत्रालय को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, उसमें इस तरीके से थे कि उन्होंने आयुष विंग बनाया डिफेंस और रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर, यहाँ पर वो सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट आयुष हॉस्पिटल्स को खोला जा सके। दे आर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुष, यहाँ पर 12,500 डेडिकेटेड आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने की यहाँ पर बात की गई आयुष्मान भारत मिशन के अंदर। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एरिया हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई और यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा। नंबर वन, ना यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देयर इज़ अ कॉमन नॉलेज दैट आयुष रिलेशनशिप विद द मॉडर्न मेडिसिन। देखो मेडिसिन की नॉलेज है और यहाँ पर जो केमिकल्स आए हैं वो भी नेचुरल चीज़ों से ही हम लोग ड्राइव करके लेकर आए हैं,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिलेट, वी कैन इंटरलिंक द ऑल द टेक्निक्स, बट वही एक अपने आप में बैटल रहती है. ओके, इट्स अ क्वैकरी बाय द आयुष प्रैक्टिशनर्स, रेडिक्यूल ऑफ द आयुष ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स बाय मैनी, एंड माइंडलेस कॉस्मेटिशियंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द आयुष प्रोडक्ट्स. जो इशू है वो ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुष वो फेल हो चुके हैं एक दूसरे के बीच में, जो गैप है उसको फिल आउट करने के लिए. यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंटीग्रेट इक्वल टर्म्स में यहाँ पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम को हमें कोलैबोरेट कराना पड़ेगा. देखो चाइना यहाँ पर एक बड़ा एग्जांपल है. चाइना ने अपने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम को वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम के साथ यहाँ पर बिल्कुल इंटीग्रेट कर लिया है, और इंडिया भी पैरेलली यहाँ पर सेम काम कर सकता है यूजिंग द रिसर्च एजुकेशन प्रैक्टिस ऑफ बोथ द सिस्टम साइमल्टेनियसली. नाउ दिस कैन इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ आयुष प्रैक्टिशनर्स, कि जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाए मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी. रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 को पास किया गया, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉज को एक्सक्लूड किया गया कि आयुष ग्रेजुएट्स को एक ब्रिज कोर्स कराया जाए 1 साल का, जिसके बाद वो कम से कम फैमिली मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकें. बट यहाँ पर क्या हुआ, MBBS डॉक्टर्स ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से इस चीज़ को भारत सरकार ने ड्रॉप कर दिया. तो हमें यहाँ पर ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स हम लोगों को लेकर आनी पड़ेंगी. हिस्टोरिकली यहाँ पर बहुत सारे अटैम्प्ट हुए हैं दोनों को इंटीग्रेट करने के. इसके लिए यहाँ पर चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था 1948 के अंदर. वो एक बेबी स्टेप था, बट प्रपोजल को बाद में यहां पर कर दिया गया स्क्रैप कि यहां पर टीचिंग कराई जाए ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम्स की गेट टुगेदर करा के. अब यहां पर एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच यहां पर दोनों ही चीज अपना रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अपना रहे हैं. ओके, कि हम अपनी चीज दूसरे को नहीं देंगे. इस वजह से यहां पर एक बड़ा क्राइसिस होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर हमें हमारा मेडिकल सिस्टम को बेटर करना है तो यहां पर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के बीच में. मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 13, खबर मिलती है इंडिया रशिया टू कंक्लूड म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. तो यहाँ पर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो ड्राफ्ट ARLS है वो यहाँ पर मॉस्को ने इंडिया को भेजा डिस्कशन के लिए. हम लोग रशिया के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन आउट करने वाले हैं. साथ ही अब हम लोग ने सेटअप किया है एक जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर्स फॉर रशियन डिफेंस प्लेटफॉर्म इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही विल को चेयर दी 19th इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन विद इस रशियन काउंटर पार्ट. और वहाँ पर S-400 डील के बारे में भी बातचीत की जाएगी, काटसा के बारे में बात की जाएगी. यहाँ पर S-400 की जो डिलीवरी है वो चालू हो जाएगी बाय द 2020 एंड 24 मंथ्स आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हेन द सैंक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू किक इन. मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 14, ईरान ने फिर से अनाउंस किया कि 2014 की जो न्यूक्लियर डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील जिसमें से US बाहर आ गया था 2018 में, उसको फिर से यहाँ पर ईरान ने ब्रेकआउट किया है. और यहाँ पर जो यहाँ पर यूरेनियम की जो यहाँ पर एनरिचमेंट है उसका प्रोग्राम ईरान ने बढ़ा दिया. पेज नंबर 13, खबर मिलती है एक्ट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंट्स, मोदी टेल्स सुकी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर म्यांमार की स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की के बीच में हुई यहाँ पर मुलाकात, और यहाँ पर दोनों ने एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया, स्टेबल और पीसफुल बॉर्डर के रूप में. यहाँ पर बातचीत की गई कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट यहाँ पर रखीन के अंदर यहाँ पर चलाए जाएं. इंडिया ने बताया कि इंडिया रेडी है यहाँ पर रखीन स्टेट को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए. रखीन वही स्टेट है जहाँ पर रहते थे रोहिंग्या मुस्लिम्स, जिनके साथ यहाँ पर मास प्रोसिक्यूशन हुआ, उनको यहाँ पर रिफ्यूज लेना पड़ा बाकी सारे अन्य देशों के अंदर. इंडिया ने बोला यहाँ पर म्यांमार को कि आप लोगों को यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कोई भी इंसर्जेंट्स ना आए, खासकर जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में रहते हैं. मिस्टर मोदी और यहाँ पर जापानीज काउंटर पार्ट शिंजो आबे के बीच में भी हुई मुलाकात. दे रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया कि बायलेटरल कोऑपरेशन यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगे इन थर्ड कंट्रीज फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट. आज के लिए बस इतनी खबरें थी. कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना. लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय. Take care.